हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, साथ में जैसा आपने बताया केंद्र सरकार के एलएनडीओ डिपार्टमेंट को भी निर्देश है कि हमें एक अल्टरनेट लैंड जल्द से जल्द अलॉट किया जाए। हम आशा करते हैं कि भाजपा बिना कोई गंदी राजनीति, बिना कोई भेदभाव किए वही लैंड अलॉट करेगी आम आदमी पार्टी को भी, जहां बाकी सारी नेशनल पार्टीज का लैंड है। बाकी इसका जैसा हम अभी राउत एवेन्यू रोड पे हैं, जो डीडीयू रोड भी है, यहाँ पे बीजेपी का मुख्यालय है, कांग्रेस का मुख्यालय भी निर्माणाधीन है यहाँ पे। आप लोग क्या ये मांग करें कि इसी रोड पे आपको जगह मिले? देखिए, जहाँ बाकी सारी नेशनल पार्टीज का लैंड अलॉटेड है वहीं पर हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी नेशनल पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की तरफ से इसे लेकर पत्र व्यवहार भी हुआ। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने बीते दिनों बताया था कि एलएनडीओ से कई बार इस मामले में बातचीत हुई, तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आया आप लोग के पास, या जो आप लोग को आप लोगों ने उस पर अपना कोई विचार व्यक्त किया? देखिए, हम आशा करते हैं कि आज की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने एलएनडीओ को भी निर्देश दिया है कि एक अल्टरनेट लैंड अलॉट किया जाए, तो बिना भेदभाव के, बिना किसी गंदी राजनीति किए भाजपा भी हमें वही लैंड अलॉट करेगी जहां बाकी सारी नेशनल पार्टी। चार हफ्ते में जब आपको उम्मीद है कि आपके आप लोग जहां पे चाहते हैं वहां पे आपको मिलेगा जमीन, या उससे पहले चार हफ्ते में, क्योंकि जब आप मांगे उससे पहले आप लोग अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे एलएनडीओ को? देखिए, अब मामला कोर्ट में पेंडिंग है और यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेगी। देखिए, हम जब से सत्ता में आए हैं, जब से सेवा करने का मौका मिला है हमें जनता का, हम तब से ही राम राज्य का पालन करते हैं। चाहे हम शिक्षा का स्तर बेहतर करने की बात हो, चाहे लोगों का स्वास्थ्य की बात हो, चाहे लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को तीर्थ यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, ये सब लोगों को अपलिफ्ट करने वाली स्कीम्स हैं। तो हम तो शुरू से ही राम राज्य के फेवर में हैं और उसी की बात करते हैं। आज भी 1000 रुपये जो अनाउंस किया है महिलाओं के लिए, 18 की उम्र से ऊपर महिलाओं के लिए, वो भी महिला सशक्तिकरण के लिए, सही मायने में महिला सशक्तिकरण है। हाथ में पैसा आएगा, सिर्फ कागजी बातें नहीं है कि महिला सशक्तिकरण हो गया, हम करके दिखाते हैं। बताया बीजेपी उसे लेकर सवाल खड़े करे, बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि आप इसे रामराज का बजट बता रहे, तो इससे पहले किस तरह का बजट आता था? बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्योंकि राममय की बात की, राममय की शुरुआत की, इसलिए सब लोग कॉपी करने लगे, वे लोग भी आज रामराज की बजट की बात करें जो राम की अवधारणा थी, सवाल खड़े करते रहे। देखिए, भगवान राम सबके हैं, हम शुरू से ऐसा बजट लाए हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हमने शिक्षा का स्तर उठाया, इसलिए हमने लोगों के स्वास्थ्य पे काम किया, इसलिए हमने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की। सही मायने में सशक्तिकरण ये होता है। अब हमने 1000 रुपये की स्कीम भी अनाउंस कर दी है प्रति महिला के लिए जो 18 की उम्र से ऊपर है। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा शुरू की। अरविंद केजरीवाल जी सही मायने में एक बेटे की तरह अपने सारे पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, तो ये असली मायने में राम राज्य है। तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है? उनको भी अपने स्टेट्स में यही अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी पॉजिटिव राजनीति करनी।